देखिए बच्चों, अभी आपने दस प्रजा, भारत अंग्रेजों की नज़र, फ्रांसीसी और बंगाल में अंग्रेजों का व्यापार, इन सब के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अंग्रेजों ने कहाँ कहाँ पे कोठियाँ स्थापित की थी, मतलब इसमें डिटेल से दिखाया गया है कहाँ कहाँ पे उनका शासन था। तो देखिए, पहले ब्रिटिश शासन 1797 में, देखो यहाँ पे तो 1797 था, उस टाइम पे ब्रिटिश शासन था जो, और स्थानीय शासन जो स्थान यहाँ के स्थानीय लोगों का शासन था, और जो ब्रिटिश आए थे उनका शासन। देखो ये जो ब्लू वाला है, ये हो गया ब्रिटिश शासन, मतलब बनारस, कलकत्ता, इधर से हैदराबाद टच करते हुए आ गया कहाँ पे, मैसूर। बाकी पे ये सब जो था वो स्थानीय लोगों का शासन था। जो येलो वाला है यहाँ पे, देखिए येलो वाला जो था स्थानीय लोगों का शासन था, यहाँ पे स्थानीय शासन और ब्रिटिश शासन। तो ब्रिटिश शासन इतने पे था, ये किस टाइम पे था, तीन चार जगहों पे 1797 में। लेकिन अब हम आ जाते हैं 1840 पे भारत में। तो भारत में 1840 में देखो कहाँ कहाँ पे हुआ, फिर दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, बनारस, इसके बाद मैसूर, फिर मुंबई टच में, फिर गोवा, इधर आते मद्रास। धीरे धीरे इन्होंने 1840 में ब्रिटिश शासन कहाँ तक फैला, देखो इन सब जगहों पे ब्रिटिश शासन ने अपना फैलाव किया, देखते जाइए आप। और स्थानीय लोगों का शासन बस इतने में रह गया, हैदराबाद, लाहौर से इधर थोड़ा सा होते हुए देखिए रेल वाले, स्थानीय लोगों का शासन था। ये तो थी 1840 की बात। 1797 में इतने में ये अपना शासन बनाए थे, ब्रिटिश शासन था। 1840 में इन्होंने यहाँ तक अपना शासन स्थापित किया। अब आ गए हम 1857 में, देखो 1857 यहाँ पे पूरे के पूरे जगह पे इन लोगों का है। देखो यहाँ पे लाहौर, लखनऊ, बनारस, कोलकाता, फिर इधर मद्रास, गोवा, मुंबई, हर जगह पे ब्रिटिश शासन हो गया। और स्थानीय लोगों का शासन बस थोड़ा थोड़ा बचा कहाँ पे, मैसूर, थोड़ा बहुत हैदराबाद, दिल्ली और बड़ौदा, काठमांडू, इन सब जगहों पे स्थानीय लोगों का शासन बचा। तो अब आप देखते रहिए कि 1757 से लेकर 1857 तक इन्होंने किस तरह से अपना शासन जो था वो भारत पे जमाया किया। हाँ, तो अलग अलग समय पे ब्रिटिश स्थानीय शासन के बारे में इसमें बताया गया, जो अलग अलग टाइम है उस टाइम पे ब्रिटिश शासन जो था कैसे अपना उन्होंने वहाँ पे राज्य स्थापित किया और किस तरह शासन किया यहाँ पे भारत में आकर के 100 वर्षों। यहाँ पे देखो 1797, फिर 1840, फिर 1857। तो यहाँ पे आपने ब्रिटिश शासन और स्थानीय लोगों के शासन में समझ गए होंगे, इस मैप के द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है अलग अलग समय ब्रिटिश और स्थानीय लोगों का शासन। तो अब कंपनी से अधिक धन कमाने की स्पर्धा में लग चुकी थी। अब कंपनी क्या थी, जो ब्रिटिश लोगों ने अपने व्यापारिक केंद्र जो वहाँ पे कंपनी बनाई थी, तो उन लोगों अधिक से अधिक वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे उस कंपनी से। अब स्पर्धा में लग चुकी, कंपटीशन होने लगा कि हमारी कंपनी से ज़्यादा धन कमाए यहाँ से। बंगाल में कर मुक्त व्यापार, मतलब कर मुक्त व्यापार की घोषणा में केवल कंपनी को ही कर मुक्त व्यापार छूट थी। अब देखिए यहाँ पे जो बंगाल में व्यापार ये लोग कर रहे थे, तो उनको कर मुक्त, उनसे कोई भी कर जो था वो नहीं लिया जाता था। कर मुक्त व्यापार की घोषणा में केवल कंपनी को ही कर मुक्त किया गया था, व्यापार करने की जो कंपनी थी सिर्फ उसको ही कर मुक्त व्यापार करने की छूट थी, परंतु कंपनी के अधिकारी व्यक्तिगत व्यापार में भी कर नहीं देते थे। जो उनका ये तो सिर्फ कंपनी थी ना, कंपनी को छूट थी कि हाँ तुम कर मत देना, लेकिन जो वहाँ के अधिकारी थे वो जो, परंतु कंपनी के जो अधिकारी थे व्यक्तिगत व्यापार, जो अपना कोई भी पर्सनल धंधा व्यापार वो करते थे, उसका भी कर वो लोग नहीं देते थे, जिससे बंगाल को होने वाली कर की आय कम हो गई। जो इनकम वहाँ से कर जो उनको मिलता था, तो उसकी जो आय थी वो इनकम जो कम हो गई, जिसका बंगाल के नवाब मुर्शीद अली खान ने विरोध किया। तो उस टाइम बंगाल का नवाब कौन था, मुर्शीद अली बंगाल के नवाब, जिन्होंने उसका विरोध किया। यह विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, जो विवाद था वो डेली दिन प्रतिदिन वो बढ़ता गया। अंत में उसके परिणाम स्वरूप 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ,
देखो प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में, और क्यों हुआ था कि बंगाल जो नवाब मुर्शिद अली खान ने विरोध किया था, किस चीज़ का विरोध किया था, जो ये अंग्रेज थे जो ब्रिटिश शासन जो था उनका कंपनी जो थी, कंपनी को ही छूट मिली थी ना कि तुम कर मत दो, लेकिन यहाँ पे जो पर्सनली लोग व्यापार करते थे उसका भी कर वो लोग नहीं देते थे। तो जो आय थी, होने वाली आय जो थी बंगाल को, जो होने वाली आय थी वो कम हो गई, कर की आय जो कम हो गई, तो जिसका विरोध किसने किया, मुर्शिद अली खान ने किया। और विरोध करने के बाद यह जो विवाद था वो प्रतिदिन बढ़ता गया, फिर अंत में 1757 में प्लासी का युद्ध शुरू हुआ। अब देखिए प्लासी का युद्ध, पहले ये इम्पोर्टेंट जानने के लिए आपको कि प्लासी नाम क्यों पड़ा। देखो प्लासी, प्लासी क्या है, क्या आप जानते हैं कि प्लासी नाम क्यों पड़ा? वास्तव में मूल नाम पलासी है इसका, पलाशी, वहाँ के, वहाँ पे पलास के वृक्ष थे, पलास के, वहाँ के पलास के वृक्ष पर से स्थान का नाम पलासी पड़ा। वहाँ पे जो पलास के वृक्ष थे बहुत अधिक मात्रा में थे, तो उसके नाम से यहाँ इस जगह का नाम क्या पड़ा, पलाशी। पलास का फूल लाल रंग का होता है, जो कि गुलाल और होली के रंगों में उपयोग में लाया जाता है। उसका उपयोग किस में होता है, गुलाल बनाने के लिए होता है, और होली के रंग में भी पलास के फूलों का प्रयोग किया जाता है। देखिए अब पलासी का युद्ध 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का जब नवाब बना, 1756 में जब सिराजुद्दौला बंगाल के जब वो नवाब बने, तो जिसकी अंग्रेज़ों पर धाक थी, अंग्रेज़ों पे वो अपनी धाक जमा के रखता था, जिससे अंग्रेज़ उसे पसंद नहीं करते थे, अंग्रेज़ जो थे उसको पसंद नहीं करते, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब न रहे, इसके लिए अंग्रेज़ों ने षड्यंत्र रचा। अब अंग्रेज़ों ने क्या षड्यंत्र किया कि सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब नहीं बनने दे रहे, उसको उस राजगद्दी से हटा देते हैं हम लोग, तो सिराजुद्दौला की विरोधियों की मदद करना शुरू किया। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो सिराजुद्दौला के विरोधी थे अंग्रेज़ों ने उनकी मदद करनी शुरू कर दी। अंग्रेज़ों ने क्या किया, सिराजुद्दौला के जो विरोधी थे उनकी मदद करनी शुरू कर दी, जिस सिराजुद्दौला ने कंपनी को आदेश दिया कि कंपनी राज्य की स्थिति में हस्तक्षेप करना बंद करे। जब उनको पता चला कि ये लोग विरोधियों की मदद कर रहे हैं, तो डायरेक्ट उन्होंने क्या कहा कि कंपनी जो है अपनी कंपनी चलाएं, जो हमारा राज्य है उसमें पर्सनली जो हस्तक्षेप तुम लोग कर रहे हो उस वो बंद कर दो। अंग्रेज कंपनी कोठियों की किलेबंदी करना बंद करें। अंग्रेज जो थे कंपनी जो कोठियाँ थी वहाँ की, उनका जो किलेबंदी करना था, चारों तरफ से घिराव करना था, किलेबंदी करना, उसको बंद, नियमित कर भरें, और नियमित जो डेली होता है हर मंथ उसका कर वो भरें, शर्तों का पालन करते हुए, जो शर्तें रखी गई हैं उसका पालन करें, उसका पालन करते हुए वो व्यापार करें। सिराजुद्दौला ने कहा इस चीज़ को, इस विषय पर दोनों पक्ष समाधान करने के लिए तैयार नहीं थे। जब ये पक्ष सिराजुद्दौला रखा, तो जो अंग्रेज थे उन्होंने इन सब का विरोध किया, और इन पक्षों पर समाधान करने के लिए तैयार वो नहीं हुए, जिससे नवाब ने 30,000 सैनिकों के साथ, जो उसके सैनिक थे सिराजुद्दौला के, नवाब जो था उस टाइम का, तो इतने 30,000 सैनिकों के साथ लेकर अंग्रेजों की कोठी पर उसने क्या किया, हमला कर दिया। तो 30 सैनिकों के साथ ने अंग्रेजों की कोठी हमला किया, और नवाब की सेना ने, जो नवाब था उसकी सेना ने अंग्रेजों को बंदी बना लिया। अब क्या था, जो अंग्रेज थे उनको सिराजुद्दौला की सेना ने उनको बंदी बना लिया, और उनके जहाज़ों को भी चारों तरफ से घेर लिया, जो उनके जहाज़ थे अंग्रेजों के कंपनी के, तो उसको भी चारों तरफ से इसकी सेना ने घेर लिया। अब क्या था, अंग्रेजी सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, अब अंग्रेज सेना क्या हुई, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जवाबी हमला किया। अब वो लोग भी अपना जवाब देने लगे, तो उन्होंने जवाबी हमला किया। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के एक सेनापति, सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जो मीर जाफर, सेनापति मीर जाफर को नवाब का, हाँ मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच देकर मदद की मांग की। अब अंग्रेज वहाँ पे देखो क्या करने लगे, कूटनीति अपनाई अब यहाँ पे कि हाँ अब हम जो वहाँ का नवाब था उसको, उसका जो सेनापति था मीर जाफर, उन्होंने उसको लालच दिया कि तुम हमारी मदद करो, हम तुमको यहाँ का नवाब बनाएंगे, बंगाल का नवाब तुम्हें बनाएंगे, मांग की, उसे मना लिया, और वो मान भी गया, अंग्रेजों से मिल गया और मान दिया कि हम आपकी मदद करेंगे। प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को
पराजित करके उसे धोखे से मार डाला। आप देखो क्या हुआ, अब प्लासी का जो हुआ तो क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव जो था सिराजुद्दौला को पराजित करके उसे धोखे से मार डाला, क्योंकि अब मीर जाफर तो उससे मिल गया था अंग्रेजों से, तो सारी पोल पट्टी तो वो देता ही रहता था कैसे क्या, तो धोखे से अंग्रेजों ने क्या किया, इसको सिराजुद्दौला को पराजित किया, उसको हराया और फिर उसको मार डाला। फिर कंपनी ने भारत में कंपनी की लड़ाई या पहली लड़ाई थी, भारत में कंपनी की यह पहली लड़ाई थी जिससे भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत होनी थी। अब देखो भारत में कंपनी की यह पहली लड़ाई थी जिससे भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत होनी थी। अब इन्होंने जो अपना शासन था भारत में शुरू किया, जो इसे इसलिए लड़ाई भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। विरोध, पहला विरोध किसने किया, सिराजुद्दौला ने ही किया था, शुरुआत तो कर चुके थे। अब भारत में कंपनी की पहली लड़ाई थी जिससे भारत में अंग्रेज शासन की शुरुआत हुई और इसलिए यह लड़ाई भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और एक महत्वपूर्ण घटना भी मानी जाती है। यह लड़ाई जो है भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, इस घटना से भारत का इतिहास भी बदलता है। चलिए बच्चों अब हम दूसरा टॉपिक जो है वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे।